नमस्कार, मैं हूं दिवांशली मोइत्रा। गलवान घाटी में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने, दोनों देश एक दूसरे को धमकी भरे संदेश और पुरानी बातें याद दिला रहे। जैसे कि भारत की तरफ से चीन को संदेश भेजा जा रहा है कि हम 1962 नहीं, तो वही बीजिंग की तरफ से बयान आता है कि भारत 1962 याद रखे। इसी बीच कश्मीर में कुछ हलचल चल रही, ये हलचल कश्मीर के दो आदेशों से हुई। जी हाँ, सरकार ने तेल कंपनियों से कहा है कि वो 2 महीने तक की LPG सिलेंडर की सप्लाई स्टॉक कर ले। इसके अलावा गांधरबल में पुलिस ने जिला प्रशासन से अपील की है कि वो अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर CAPF के लिए स्कूल और कॉलेज खाली करवा ले। हालांकि अभी ये भी तय नहीं है कि यात्रा कब होगी। इसके साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से जारी तनाव के बीच इस आदेश ने राज्य में हलचल मचा दी। यह आदेश 27 जून को जारी किया गया था। राज्य के उपराज्यपाल GC मुर्मू ने 23 जून को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी थी। ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि लगातार जमीन धंसने की घटनाओं और नेशनल हाईवे बंद होने की स्थिति में राज्य में LPG की सप्लाई पर असर ना पड़े। फूड और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने यह आदेश जारी कर तेल कंपनियों से कहा था कि इस फैसले को अर्जेंट मैटर के तौर पर लिया जाए। कंपनी अपने पास पर्याप्त LPG सिलेंडर का भंडार रखे, जिससे कि 2 महीने तक की सप्लाई हो सके। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि आम तौर पर सर्दियों के मौसम में सरकार ऐसे आदेश जारी करती है, लेकिन गर्मियों में इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। ऐसे में गैस का स्टॉक करने का आदेश जारी किया जाना सामान्य नहीं। इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक और राज्य में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के वक्त भी कुछ कुछ इसी तरह का माहौल बनाया गया था। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वहीं स्थानीय निवासी किसी बड़ी हलचल की बात कर रहे हैं, वो क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सभी भारत चीन विवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं।